हेलो दोस्तों, आप सभी का हम स्वागत करते हैं। मैं आशा हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक हैं। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु जी, सुंदर दिन के लिए जो आपने हम सभी को दिया है। आप हम सभी को संभाल के रखना और आशीष देना। क्या आप तैयार हैं और एक नया विषय सीखने के लिए? पिछले हफ्ते हमने सीखा है असंभव कुछ भी नहीं है। प्रभु के लिए असंभव कुछ भी नहीं है। तो आज हम सीखेंगे प्रभु की सहायता से हम सब कुछ कर सकते हैं जो हमारे लिए असंभव है, जो हमारे लिए कठिन है। प्रभु की सहायता से हम सब कुछ कर सकते हैं। क्या आप मेरे साथ कहोगे? प्रभु की सहायता से हम सब कुछ कर सकते हैं। तो इस विषय को हम बाइबल में से सीखेंगे। एक दिन परमेश्वर का स्वर्गदूत गिदोन नाम के एक व्यक्ति के पास आया। गिदोन डर के मारे एक दाग के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छुपा रखे, क्योंकि मिद्यानी लोग वह सारा गेहूं उनसे छीन लेते थे। तभी यहोवा परमेश्वर का एक स्वर्गदूत ने उसे दर्शन दिया। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन
हमारे पुरखा यह कहकर करते थे कि क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ाकर नहीं लाया? वे कहाँ रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ में कर दिया। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और इसराइलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? उसने कहा, हे मेरे प्रभु, बिनती सुन, मैं इसराइल को क्यों कर छुड़ाऊं? देख, मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूँगा, सो तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को। तब गिदोन ने लोगों को युद्ध के लिए इकट्ठा किया और करीब 32,000 लोगों की सेना इकट्ठी हो गई। जब लोग उसके पास आए तो प्रभु ने उससे कहा, ये तो बहुत सारे लोग हैं, इनसे कहो अगर किसी को डर लग रहा है तो वो वापस अपने घर चला जाए। तब करीब 22,000 लोग वापस घर चले गए। अब सेना में सिर्फ 10,000 लोग बच गए। फिर यहोवा ने गिदोन से कहा, अब भी लोग अधिक हैं, उन्हें सोते के पास नीचे ले चल, वहां मैं उन्हें तेरे लिए परखूंगा। और वहां 300 लोगों को गिदोन ने युद्ध के लिए अलग किया और प्रभु ने उसे कहा, इन 300 लोगों के द्वारा मैं तुमको युद्ध में छुड़ाऊंगा और मिद्यानियों को तेरे हाथ में कर दूंगा और सब लोग अपने अपने स्थान को लौट जाएं। तब उसने उन 300 पुरुषों के 3 झुंड किए और एक एक पुरुष के हाथ में एक नरसिंगा और खाली घड़ा दिया और घड़ों के भीतर एक मशाल थी। फिर उसने उनसे कहा, मुझे देखो और वैसा ही करो। सुनो, जब मैं उस छावनी की छोर पर पहुंचूं, तब जैसा मैं करूं वैसा ही तुम भी करना, अर्थात जब मैं और मेरे सब संगी नरसिंगा फूंके तब तुम भी छावनी की चारों ओर नरसिंगे फूंकना और ललकारना कि यहोवा की और गिदोन की तलवार। तब तीनों झुंडों ने नरसिंगों को फूंका और घड़ों को तोड़ डाला और अपने अपने बाएं हाथ में मशाल और दाहिने हाथ में फूंकने को नरसिंगा लिए हुए चिल्ला उठे, यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। तब वे छावनी के चारों ओर अपने अपने स्थान पर खड़े रहे और सब सेना के लोग दौड़ने लगे और उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर उन्हें भगा दिया। इस प्रकार यहोवा परमेश्वर ने गिदोन को युद्ध में विजय दिलाई। वाह बच्चों, आपने देखा गिदियन की कहानी को? और देखा बच्चों, गिदियन कैसे डरा हुआ था और वह शत्रु से डरकर अपनी फसल को एक दाख के कुंड के अंदर समेट रहा था। लेकिन उस जगह में परमेश्वर के दूत ने उसको दर्शन देकर क्या कहा मालूम है? हे सूरवीर सूरमा, वो तो डरा हुआ था, वो बोल रहा था मैं कहां सूरवीर हूं। लेकिन परमेश्वर, जब हम डरे हुए होते हैं वहां पर भी हमारे अंदर छुपी हुई ताकत को वो देखता है और परमेश्वर गिदियों से कहता है कि इसी ताकत के द्वारा तू जा और युद्ध कर और इसराइलियों को विजय दिला, मैं तेरे साथ रहूंगा। और परमेश्वर ने जो कुछ गिदियन से कहा करने के लिए वह सब गिदियन ने करा और परमेश्वर ने एक अच्छी विजय उसको दिलाई। परमेश्वर का तरीका बिल्कुल अलग है। देखा आपने कितने सारे लोग, 32,000 लोग वहां सेना में भर्ती हो गए युद्ध के लिए, लेकिन परमेश्वर ने कितने लोगों को चुना? सिर्फ 300 लोगों को। और उन 300 लोगों के साथ में भी परमेश्वर ने एक अजीब प्रकार के युद्ध से विजय दिलाई, है ना? मशाल हाथ में लेकर, मटकी हाथ में लेकर और नरसिंगा फूंक कर, है ना, युद्ध में
तलवार लेने लेकर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने अपने तरीके से युद्ध में विजय दिलाई। और देखा, हर समय जहां गिदोन को कठिन लग रहा था कि मैं कैसे ऐसा करूंगा, और वो भी सिर्फ 300 लोगों के साथ, इतनी बड़ी सेना के साथ मैं कैसे युद्ध में लड़ूंगा, लेकिन वहां पर भी उसने परमेश्वर की बात को माना, और उसके लिए जो असंभव लगता था परमेश्वर ने उसके साथ में रहकर जो कुछ उसको करने के लिए कहा उसने गिदोन ने करा और विजय को पाया। तो हमें भी बच्चों कभी कभी ऐसा लगता है कि यह हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब आप परमेश्वर की सहायता मांगते हैं, परमेश्वर आपके साथ रहते हैं, तो उन असंभव बातों को भी आप संभव करने की सामर्थ्य रखते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम में वो सामर्थ्य नहीं है, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे अंदर उस सामर्थ्य को देखता है। तो बच्चों, इन बातों को आप हमेशा याद रखना कि जब आपको कोई परिस्थिति असंभव लगे तो आप परमेश्वर की ओर देखिए, और परमेश्वर आपके अंदर जो ताकत देखता है उसके लिए आप, परमेश्वर आपको जो कुछ करने के लिए बोले वो आप जरूर करना, ताकि आप विजयी रहेंगे, आप जय पाएंगे, और उस असंभव कार्य को करने के लिए आपको प्रभु बल देगा, नई समझ देगा, ज्ञान देगा, तो आप उसको जरूर करना। ठीक है बच्चों, तो आइए हम सब मिलकर इस आयत को याद करें, मरकुस 9:23। यीशु ने उससे कहा यदि तू कर सकता है यह क्या बात है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। क्या आप सब मेरे साथ एक और बार बोलेंगे, मरकुस 9:23। यीशु ने उससे कहा यदि तू कर सकता है यह क्या बात है। तो बच्चों, आज हमने सीखा है प्रभु की सहायता से हम बहुत कुछ कर सकते हैं जो हमारे लिए असंभव है, जो हमारे लिए कठिन है। प्रभु की सहायता से हम सब कुछ, बहुत कुछ हम कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है और प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यदि हमारे मन में कुछ करने का इच्छा है और हमें लग रहा है कि यह हमारे लिए असंभव है, तो हमें प्रभु से प्रार्थना करना है, क्योंकि प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु हमारे लिए राहों को खोलेगा, प्रभु हमें मदद करेगा, प्रभु हमारी सहायता करेगा, और प्रभु की सहायता से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए बच्चों, प्रभु की सहायता से हम सब कुछ कर सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं जो हमारे लिए असंभव है, जो हमारे लिए कठिन है। तो आइए बच्चों, हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं बाइबल के इतने अद्भुत अद्भुत बातों को सीखने के लिए आपने हमारी सहायता किया। हमारे जीवन के अंदर भी ऐसी जो भी असंभव बातें हैं, प्रभु हम आपकी सहायता मांगते हैं। हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए वो कार्य संभव होने के लिए हम आपकी दया चाहते हैं। इन सारे बातों के द्वारा आपको महिमा मिले, आदर मान महिमा हम आपको देते हैं, मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर, आप सुनिए और दया से कबूल करिए, आमीन। तो बच्चों, आपके असंभव कार्यों के लिए भी आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, और वो जरूर आपकी सहायता करेंगे, और आपके असंभव कार्य भी आपके लिए संभव हो जाएंगे।
अच्छा अब मुझे बताओ कि क्या आप इस पेपर के अंदर से हम पूरे निकल सकते हैं क्या, ऐसे करके? ठीक है, मैं इसमें थोड़ा सा कट लगा के दिखाती हूँ। ठीक है, मैंने जस्ट इधर से बीच में ऐसे काट लिया है, अब कोशिश करते हैं क्या हम इसमें से निकल सकते हैं क्या। नहीं नहीं निकल सकते, है ना? ठीक है, लेकिन मैंने एक पेपर, इसी पेपर को लेकर, ठीक है, यही वाला पेपर हम लेते हैं, और मैंने उसको ऐसे फोल्ड कर लिया है, ठीक है, हाफ फोल्ड कर लिया, और मैंने इसके इस पेपर के ऊपर कुछ ऐसे निशान लगा दिए, दिखाई दे रहे हैं आपको? ठीक है, कुछ ऐसे निशान लगा दिए हैं। ओके, अभी हम इसको काटेंगे, ठीक है, ये जो जहाँ निशान लगाए हुए हैं, ठीक है, और आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पूरा नहीं लगाया, जहाँ तक निशान है वहाँ तक ही हमें हम इसको काटेंगे, ठीक है? ओके, तो मैं आपको काट के दिखाती हूँ। तो पहले हम देखते हैं यहाँ से काटेंगे। पूरा नहीं काट रहे हैं हम लोग, ठीक है? ये हमें बताते हैं, ये क्राफ्ट हमें सिखाते हैं कि असंभव कुछ भी नहीं है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि अरे ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन हमारे प्रभु के द्वारा सब कुछ हो सकता है, ठीक है? तो मैंने एक साइड से इसको इस तरह से काट लिया है, ठीक है? अब हम दूसरी साइड जो निशान लगे हुए हैं उसको हम काटेंगे, ये वाले, ठीक है? उसको भी हम जहां तक निशान है वहां तक काटेंगे। मैंने दोनों तरफ से काट लिया है, लेकिन अब हम इसको यहाँ रखते हैं और इसको हम खोल लेते हैं। इस तरफ इस पेपर के बीच में ये हमने यहाँ खोल लिया, यहाँ पर भी निशान है, देखो। तो ये जो जो निशान है इस तरह से हम ये वाले भाग को काटेंगे, ठीक है? तो ये पहला वाला हम नहीं काट रहे हैं, ये वाले से शुरू करते हैं, ठीक है? वाले हिस्से से ये जो जहाँ जहाँ निशान डाले हैं फोल्ड वाला हिस्से, तो फर्स्ट वाला हमें नहीं काटना है, सेकंड से हम शुरू करेंगे। अभी हमने जो जॉइंट था वहां से हमने काट लिया, हमने शुरुआत में इसे नहीं काटा है, ठीक है? अब हम देखते हैं, इसको हम खोलते हैं। क्या आप सोचते हो कि अब हम पूरे इसमें से निकल सकते हैं, है कि नहीं? तो शुरू में हमने देखा कि एक छोटे से पेपर के अंदर से हमें निकलना मुश्किल है, लेकिन जब हमने इसको कुछ इस तरह से किया तो देखा हम पूरे इसके अंदर से होकर पार हो सकते हैं, देख सकते हैं? तो बच्चों, इन क्राफ्ट के द्वारा हम सीखते हैं कि असंभव कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो आप भी इस क्राफ्ट को बनाइए और एंजॉय कीजिए, और याद रखें कि असंभव कुछ भी नहीं है, और ऐसे क्राफ्ट बनाकर आपके फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करें,
और खेले और इंजॉय करे, और हमेशा याद रखे नथिंग इज इम्पॉसिबल, असंभव कुछ भी नहीं है। ठीक है बच्चों।